हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर एक पेपर हुआ है जो कि है आपका हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है। ये एग्जाम कब हुआ है? आपका ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया है, दैट इज ऑन 16th ऑफ अक्टूबर 2022। तो ये कल की डेट में संडे में आपका एग्जाम हुआ है। इस पूरे पेपर का जो सॉल्यूशन है, जो आंसर की है, वो मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दी है, तो आप लोग वहाँ पर भी देख सकते हैं। ये डेफिनेटली आपने कहीं किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट से डेफिनेटली मैच कर लिए होंगे कि आपके कितने आंसर सही हैं और कितने गलत हो रहे हैं। तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बात करेंगे कि इस बार की जो एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, उसके बारे में हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को। तो अगर जो हम बात करें यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, ओके, तो देखिए ये जो पेपर था आपका, ये पेपर जो था आपका, दैट इज जस्ट अ मिनट, ओके, ये था जो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो पेपर था। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जब हम बात करते हैं तो 100 क्वेश्चंस आपने देखे विद 2 मार्क्स ईच। तो यहाँ पर आपको कितने टोटल मार्क्स आपको देखने को मिलते हैं? 200 मार्क्स का जो पेपर वन था, दिस इज फॉर द पेपर वन एंड पेपर टू। उसी तरीके से पेपर टू के अंदर भी 100 क्वेश्चंस थे जो कि 2 मार्क्स के थे, और वो भी आपके टोटल कितने रहे? 200 मार्क्स का पेपर रहा है, दिस इज ऑल्सो अ 200 मार्क्स पेपर टू। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअली हिमाचल प्रदेश के अंदर कुछ टाइम पहले, मतलब आज से 3 साल बिफोर कोविड कह लीजिए, तो उस टाइम पर जो क्वेश्चंस आते थे वो डायरेक्ट क्वेश्चन आया करते थे। अब जो है जितने भी स्टेट पीसीएस है वो सभी लोग अपने पैटर्न को चेंज करते जा रहे हैं, और चेंज कर रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ यूपीएससी, मतलब यूपीएससी को फॉलो करते हुए सारे स्टेट पीसीएस जो है अपने आप को अपग्रेड करते जा रहे हैं। तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, अब यहाँ पर जो है मल्टीपल चॉइस ऑप्शन जो है वो आपसे पूछे जा रहे हैं, और मल्टीपल चॉइस ऑप्शन से अगर जो प्रॉब्लम आती है सबसे बड़ी, तो क्या होता है कि जो पेपर है वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है आपका, ठीक है, लेंदी हो जाता है, क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन में आपको 4-5 पॉइंट्स दे दिए गए हैं और फिर सबको पढ़ना है और फिर आपको आंसर करना है उसको, तो उसमें आपको टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा सा बढ़ जाता है। ईजी नहीं, टफ नहीं होता है बहुत ज़्यादा, बट हाँ टाइम कंज्यूमिंग डेफिनेटली बढ़ जाता है यहाँ पर। तो जब टाइम कंजप्शन बढ़ जाता है तो नंबर ऑफ अटैम्प्ट जो होते हैं क्वेश्चन के वो थोड़े से क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। और बात करूँ लेवल की, इस पेपर का जो लेवल था इस बार का, तो वो आपका थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ कहूँगा मैं इसको, पेपर को मॉडरेट टू टफ कहूँगा, कि मॉडरेट भी था और टफ भी था, बट इजी नहीं था और ना ही कम्प्लीटली मॉडरेट था, ना कि बहुत ज़्यादा टफ था, ठीक है। और यहाँ पर हम अगर जो बात करूँ, मैं इस पूरे सेशन के अंदर, मतलब इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, मैं कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड नहीं करूँगा कि किस कैटेगरी की कट ऑफ कितनी जाएगी या कितनी नहीं जाएगी। इस बार की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी मेरे अकॉर्डिंग, मतलब आफ्टर पेपर को सॉल्व करने के बाद और जितने बच्चों ने यहाँ पर पेपर दिया है उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स की जब हम बात करते हैं ना, तो 29 सीट्स आपको ये पता ही है, 29 सीट्स के लिए ये एग्ज़ाम हुआ था। तो यहाँ पर जो कट ऑफ की बात हम करते हैं, तो ये कट ऑफ जो है ओवरऑल, मतलब हम यहाँ पर अगर जो बात करें कि टोटल जो है, अगर जो आपके मार्क्स जो है वो 90 प्लस बन रहे हैं, If you are getting 90 plus marks, तो आपके chances हैं select होने के for the mains examination। और आपने definitely बहुत सारी जगहों से, मेरे channel से या कहीं और से, या हो सकता है अभी कुछ दिनों में, एक दो दिन में आपका आयोग की तरफ से जो official answer की आएगी, वहाँ से कहीं से भी आप check करके कि आपके कितने marks बन रहे हैं, अगर जो 90 plus में आपके marks बन रहे हैं, तो आपको mains के लिए preparation शुरू कर देनी चाहिए। mains की preparation जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि देखिए मेंस के लिए ज़्यादा टाइम नहीं होगा आपके पास, हार्डली 2 या 3 महीने, मतलब जनवरी के आसपास में अराउंड आपका एग्ज़ाम डेट होगा। मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं है कि इसकी एग्ज़ाम डेट कब है, ठीक है। तो ये कट ऑफ जो है बेसिकली बेस्ड है ऑन द पेपर वन, जो पेपर वन है उसके बेस पर ये कट ऑफ है। पेपर टू आपका क्वालिफाइंग होता है, आप सभी को पता होगा, उसमें 33% जो है आपको मार्क्स लाने होते हैं, मतलब आपके 200 नंबर का क्वेश्चन था तो आपको 66 मार्क्स जो है वो मिनिमम लाने हैं, वो ला लिया तो फिर आप क्वालिफाइड है। बट हमारा जो मेन कट ऑफ बनता है वो बनता है किससे? वो बनता है आपका पेपर वन के आंसर से, ठीक है। तो आपका जो इस बार का कट ऑफ होगा मेरे अकॉर्डिंग, दैट विल बी 90 प्लस ही रहेगा, मतलब मिनिमम 90 रहना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए आप सारी कैटेगरीज को भी कंसिडर कर सकते हैं, थोड़ा सा बहुत
वेरिएशन होगा, बट इससे ज्यादा तो नहीं जाएगा, मतलब 90 के आसपास में ही डेफिनेटली कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो दिस वॉज माई डिस्कशन, आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।